ये चंदन की लकड़ी पे बारीक नक्काशी की कला है। ये मैं बचपन से काम करता आ रहा हूँ, इसमें 6 साल का था जब से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को 9 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था, 10वीं साल मेरे को स्टेट मिला, 21 साल की एज में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला इसी कला की बदौलत। और मैंने ये मेरे बुज़ुर्गों से सीखी है, मेरे पुरखों से सीखी है। 4थी पीढ़ी है इस कला में मेरे को, और 5वीं पीढ़ी यानी मेरी बेटी है वो भी इस कला को सीख रही है। 11 प्रेसिडेंट अवार्ड मिले हुए हैं मेरे को। 2010 में नॉमिनेट था, 2014 में फंक्शन हुआ। ये तलवार पूरी चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर एक खिड़कियाँ खुलती है, और इसमें महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी को दर्शाया गया है। इसको बनाने में मेरे को 9 साल लगाए। मैंने 2001 में बनाना चालू किया था, 2010 के अंदर मेरा नॉमिनेशन हो गया था, और 2014 के अंदर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला इसी के लिए। सर वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं होती, और लेकिन जब तक कमाएंगे नहीं जब तक खाएंगे क्या, तो इसकी मैंने 25 लाख रुपये लगाई है। चंदन की महिला मैंने बनाई है, वो 3.5 फीट की है। उसमें 7 साल लगे थे मुझे बनाने में, एक एक चीज़ बनाने में। उसकी चुनरी पूरी हवा से हिलती है, उसमें 11 खिड़कियां खुलती है, जिसमें मैंने राजस्थान के जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं उनकी गाथाएं बनाई है। जैसे हाडी रानी हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, पन्ना धाय का हो गया, पद्मिनी का जौहर हो गया, तो ये चीज़ें मैंने उसमें दिखाई है सारी। कीमत क्या है उसको बनाने में, कितना समय? उसको बनाने में 7 साल लगे हैं। उसकी मैंने उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है। सर लकड़ी का भी फ़र्क पड़ता है, इसके अंदर कम लकड़ी लगी है, वो अपने आप में 80 किलो के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी लकड़ी लगी होगी। और मेरी मेहनत है उसमें, मेहनत से ज़्यादा लकड़ी लगी हुई है, तो इसलिए वो महंगी है। आगे आपका क्या सपना है, आगे क्या चीज़ बना रहे हैं आप? मैं आगे एक 5 फीट की महिला बनाने में लगा हुआ हूँ, और उसमें तक के अंदर 30 से 35 खिड़कियाँ खोलूँगा। उसके कानों के झूमर, माथे का बोरला, गले में जो ज्वेलरी होगी वो भी खुलेगी, तो 30 से 35 उसकी खिड़कियाँ खुलेगी। जितने भी राजस्थान के वीर वीरांगनाएं की गाथा है वही मैं उसमें डालूँगा।